पंजाब से किसान मंगलवार 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च के लिए निकल चुके हैं, जहां दिल्ली के आसपास के बॉर्डर पर किसानों को रोकने के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं हरियाणा में कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड हटा दिए हैं। आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं इसी के साथ ही दिल्ली में एक महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। अगर बात करें तो दिल्ली में ट्रैफिक काफी है, सड़कें जाम पड़ चुकी हैं। दिल्ली से संवाददाता शुभ सेठ की रिपोर्ट। किसान द्वारा दिल्ली चलो मार्च की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर को सील कर दिया गया। इस वक्त मैं सहयोगी से गुजारिश करूंगा, दिखाया कि दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जो सुरक्षा दिल्ली पुलिस द्वारा तैनात की गई है वो काफी ही पुख्ता की गई है। अगर बात करेंगे चार लेयर की बैरिकेडिंग गई, जो पहली बैरिकेडिंग की गई है वो यहाँ पे ठोस सीमेंट की दीवार बनाई गई है, और ताकि कोई भी इसको ट्रैक्टर या वाहन कोई भी इसको पार ना कर सके। इसके साथ ही बात करेंगे यहाँ पे जो दूसरी बैरिकेडिंग की गई, बस वगैरह लगा दी, इसके साथ ही यहाँ पे ट्रक की भी की गई। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे लगातार सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए काफी कुछ यहाँ पे की गई। इसके साथ ही यहाँ पे किले भी लगाई गई है और यहाँ पे मोटी तारे भी लगाई गई है ताकि कोई भी इसको पार ना कर सके। इसके साथ मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि दिखाए वो दूसरी तरफ जो नोएडा और गाजियाबाद से आता हुआ ये रोड है, इसको भी काफी रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि दिल्ली में कोई भी ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो सके। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, दिल्ली पुलिस के जो तमाम जवान यहाँ पे खड़े हैं, पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश के भी जवान यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश के पुलिस के काफ़ी जवान यहाँ पे बॉर्डरों पे मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि दिल्ली पुलिस के जो भी तमाम बॉर्डर्स हैं उन सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गाजीपुर बॉर्डर का जो ये फ्लाई ओवर है इस पर भी दिल्ली में रहने वाले और यूपी में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से रास्ते को ब्लॉक किया जाता है लोगों को आने जाने में काफ़ी ही परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कोई अगर किसान आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे रोका जा रहा है। अब देखना, आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार और किसान के नेताओं के बीच जो बैठक हुई थी उसमें किसान संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि पूरी तरीके से जो बैठक हुई है उसमें कोई भी हल नहीं निकला। अब देखना ये रहेगा कि जब किसान और केंद्र सरकार की बैठक होती है तो क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। एमकेएन न्यूज़ के लिए दिल्ली से सुपसेट।